नमस्कार दोस्तों, इस समय दुर्गा पूजा का त्यौहार चल रहा है और उस पे जो ये मिट्टी की मूर्ति होती है इस पे मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। और जो लोग इसमें बहुत पुराने टेक्नीशियन होंगे, जो ट्रांजिस्टर रेडियो को रिपेयर किए होंगे या जो इस सर्किट को समझते होंगे, जो इस समय नए भी होंगे, अगर इस सर्किट को समझते होंगे तो मेरी बातों को बहुत स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं आज मैं जो कुछ बताने जा रहा हूँ। और बहुत छोटा सा एक टाइम लेंगे जिसमें आपको ये क्लियर करेंगे कि ये जो मिट्टी की मूर्ति है इसका महत्व क्या है और ये ऐसा क्यों किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये है एंटीना, ठीक है, जो एरियल लगता है हमारा रेडियो या ट्रांजिस्टर में जो स्टेशन पकड़ाने के लिए। तो ये जो स्टेशन का जो बात होता है यहाँ पे, इसमें बैंड होता है जैसे शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, ठीक है। और ये जितने वेव हैं, जितने बैंड हैं, ये एक लेयर के रूप में स्काई यानी ओपन स्पेस में ही हैं, ठीक है, ऊपर। अब हम नीचे सीधे आते हैं ग्राउंड, ये जो अर्थ है जहाँ पर हम निगेटिव सप्लाई की बात करते हैं, ठीक। तो ये हो गया स्काई, ये हो गया अर्थ। अब बीच में देखिए, बीच में यहाँ पर देखेंगे एक कॉयल लगा हुआ है जो कि कॉपर का है, ठीक है। ये मैं एक बेसिक बता रहा हूँ, अभी उसको क्लियर करता हूँ ये मिट्टी की बात। अब यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर लगा हुआ है एक वेरिएबल कैपेसिटर है और ये भी कैपेसिटर है, ठीक है, ये पीएफ है। अब इसमें से यहाँ से जो ईयर टकरा रहा है और ये जो भी जहाँ से भी ये शॉर्ट वेव हो या मीडियम वेव हो, और हम शॉर्ट वेव का अगर बात करते हैं तो आपको और भी एक बात बता दें कि जैसे मान लीजिए हम पहले एक स्टेशन शॉर्ट वेव पे पकड़ाते थे, शॉर्ट वन, शॉर्ट टू, शॉर्ट थ्री, ऐसे ऐसे उसमें भी कई वो होते थे। मीडियम को बदलने के बाद जो शॉर्ट वेव में आता था उसमें भी कई बैंड होते थे। तो उसमें क्या होता था कि एक ऐसा बैंड उसमें क्लियर किया जाता था, जैसे हमारा मॉस्को, तो मॉस्को यहाँ से कितना किलोमीटर है यानी इंडिया से, तो उसकी यहाँ पे कैचिंग जो एक एरियल के द्वारा होके, अब यहाँ पे जो हम इसको वेरिएबल यानी कैपेसिटर को घुमाते हैं, वेरिएबल मतलब गैंग हुआ, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से जो इसकी बेस पे यानी ये जो ट्रांजिस्टर है, ये सेमी कंडक्टर इसे कहते हैं, इस ट्रांजिस्टर को सेमी कंडक्टर मतलब होता है अर्धचालक, ये पूरा अपने में नहीं है। यहाँ पे बेस के हिसाब, यहाँ पे आने वाले सिग्नल के हिसाब से ये स्विचिंग करता है, ठीक है। इसको केवल फॉरवर्ड बायसिंग के रूप में वन मैक रेजिस्टेंस, जानते होंगे कि उस समय सबसे ज़्यादा ये ओपन हो जाता था तो आरएफ सिग्नल हमारा बंद काम करना बंद कर देता था। तो ये फॉरवर्ड बायसिंग के लिए यहाँ पे लगाया जाता था वन मैक 470 के यानी हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस, सिर्फ यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग इसलिए दिया जाता कि यहाँ पे आने वाला सिग्नल इसके इंटरनल जा सके यानी इस ट्रांजिस्टर सेमी कंडक्टर के अंदर, और यहीं से ये जो है एमिटर और कलेक्टर के बीच जो स्विचिंग होगी ये यहाँ पे कलेक्ट होके आगे इसे और भी एम्पलीफाई करके स्पीकर से रेडियो फ्रिक्वेंसी को सुना जा सके। अब आता है यहाँ पे बात ये कि ये जो पीएफ लगा हुआ है ये किस चीज़ का है, या यहाँ पे जो वेरिएबल कैपेसिटर लगा है ये किस चीज़ का है। अगर ये यहाँ पर देखेंगे आप, कोई भी गैंग होता था तो गैंग एक वेरिएबल कैपेसिटर होता था, वो उसके बीच में हमारा जैसे पीतल का या एलुमिनियम का ये सब सारी चीज़ें यूज़ की जाती है। अभी जितने भी ये धातु हैं ये कहाँ पर अवेलेबल है, यानी जैसे ये तो यहाँ पे सिर्फ फ्रिक्वेंसी, रेडियो फ्रिक्वेंसी आ रही है आकाश से, सिर्फ सिग्नल आ रहा है, कोई भी सिग्नल हो, कोई भी ट्रांसमीटर हो, लेकिन यहाँ पे जो भी हम इसे कैच करते हैं या रिसीव करते हैं वो किस मेथड से करते हैं। अब हम आपको और एक बात क्लियर करते हैं, यहाँ पे जो ये पीएफ लगा है जो फ्रिक्वेंसी को फिल्टर करने का काम करता है, जैसे शॉर्ट वेव के लिए अलग होता है, मीडियम वेव के लिए अलग होता है, लेकिन ये अलग यानी डिवाइडेशन करने का काम जो ये पीएफ करता है, इसे आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे हमारा सिरामिक फिल्टर हुआ, सिरामिक कैपेसिटर हुआ, तो सिरामिक मतलब क्या हुआ, मिट्टी, ठीक है। मिट्टी के का जो इसमें डिज़ाइन किया गया यानी ये जो कंपोनेंट बनाया गया, इसके ऊपर इसकी लेयरिंग हुई कि इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज ना हो। इसलिए आप देखे होंगे कि जहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुत ही सेंसिटिव होता है वहाँ पे कैपेसिटर के ऊपर कुछ ऐसे, जैसे पहले स्टोर फ्लेक्स कैपेसिटर या और भी सारे ऐसे कैपेसिटर आते हैं कि उसके ऊपर कुछ ऐसे लेयर लगाए जाते हैं कि उसके इंटरनल उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स रहे यानी इसकी वैल्यू चेंज ना हो। जैसे इसकी वैल्यू हम चेंज कर देते हैं, सेट करते हैं, तो ऐसे यहाँ पे फिक्स करते हैं। फिक्स में क्या होता है कि ये उतनी ही फ्रीक्वेंसी को अपने से बाईपास करेगा। अब ये अगर मिट्टी का है और फ्रीक्वेंसी बाईपास हो रही है तो इसका मतलब कि ये धरती में भी तो फ्रीक्वेंसी जाती है। तो अगर हम इस धरती के मिट्टी का अगर हम देखें तो ये जिससे भी टच है या जिससे भी ये बनी है, तो इस चीज़ को जो है हम सारा जो है इसका मेटल या कुछ भी यूज करते हैं तो सारा अगर देखें सिस्टम, चाहे कंप्यूटर का ले लें या कोई भी सिस्टम देखें, तो ये हमारा सिर्फ ऊपर से संकेत या इंफॉर्मेशन या कुछ भी जो है ड्राइव ऊपर से होता है आकाश से, ठीक है, लेकिन रिसीविंग नीचे होती है। अगर एक बार अपने आप को देखें तो हमारी बॉडी क्या है, ये भी एक जो है ये समझ लीजिए एक मिट्टी है, क्योंकि अगर आप कहेंगे कि मिट्टी कैसे है तो डेड बॉडी देखने के बाद अगर आपको क्लियर हो जाएगा कि उसमें जो उसके जितने भी हमारे ये सिस्टम है, ठीक है, वो सब एक हड्डी छोड़ के यानी जो उसमें कैल्शियम या वो छोड़ के बाकी सारी चीज़ें अपने आप जो है उसमें बदल जाती हैं, ठीक है, मिट्टी में चली जाती हैं। तो ये सारी फ्रिक्वेंसी अगर यहाँ पर हम कैचिंग और रिसीविंग करते हैं तो ये सारा सिस्टम आप वहाँ पर भी एक साइंस काम करता है, ठीक है। जो उस माँ की मूर्ति बनी है, जो देवी माँ का मूर्ति बना है, वहाँ पे जो आप अपने आई से रिफ्लेक्ट करते हैं या जो भी आप वहाँ पे अपने कनेक्टिविटी होती है, जो श्रद्धा होती है, जो एनर्जी होती है, उसे हम रिसीव करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं। बाकी हम इस पे और भी चीज़ें बाद में बताएंगे, आप कमेंट करके बताएं
या जो इसको जानते हैं, तो वो बहुत गहरे में आप इसे दिमाग में रखें कि जिसमें हम जिस कैपेसिटर के द्वारा हम फिल्टर करते हैं, इस रेडियो फ्रिक्वेंसी को कैच करते हैं। अब ये नहीं कि अगर हम ये स्टेशन, मान लीजिए कोई भी स्टेशन अगर यहाँ पे ट्यून नहीं किए हैं, तो ऐसा नहीं कि उसका सिग्नल यहाँ नहीं आ रहा है। यानी जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लखनऊ हुआ रेडियो स्टेशन या कोई भी हुआ, सब सब जगह से ट्रांसमिट हो रहे हैं, लेकिन हम जब ट्यून करते हैं तो ट्यून में जो होती है ट्यूनिंग, वो ट्यूनिंग जब यहाँ पे सेलेक्ट होता है स्टेशन की कैचिंग, इसमें सब कुछ आ रहा होता है, सिर्फ हम एक स्टेशन को पकड़ाते हैं जिसे एम्पलीफाई करके आगे ऑडियो सेक्शन में सुनते हैं। तो यही मेथड सारा हम लोगों के सिस्टम के अनुसार ही ये सारी चीज़ें डिजाइन हुई हैं। आप बहुत गहरे में देखेंगे तो हमारा जो मस्तिष्क का है, ये दो हिस्सा है, लेफ्ट राइट, यानी एक इमोशनल और एक लॉजिक ब्रेन, और दोनों के ब्रेन पे यहाँ पर देखें तो यहाँ भी यही मेथड यूज़ हो रहा है कि इसी ट्यूनिंग से आप शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, कोई भी हाई फ्रिक्वेंसी, लो फ्रिक्वेंसी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और एम्पलीफाई करके आप स्पीकर से सुन सकते हैं। तो ऐसे हमारा भी एक वेरिएबल कैपेसिटर है जिसके द्वारा हम लॉजिक और इमोशन, इमोशन यहाँ पे मैग्नेटिक का काम करता है और लॉजिक यहाँ पे कैपेसिटर वाला काम करता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक कलेक्टिंग, एक वैल्यू होता है, तो वैल्यू क्या होता है, रिलेटेड होता है लॉजिक। इमोशन क्या होता है, मैग्नेट, तो मैग्नेट हमारे अंदर भी काम करता है, और हमारा ध्यान जो होता है यानी जो फोकस होता है, वो एक लॉजिक, ठीक है। बाकी हम और बाद में क्लियर करेंगे। ये मिट्टी पे बहुत दिन से बात हो रही थी, तो हमने बहुत इसको गहरे में समझा है, जाना है और लिखा भी हूँ, लेकिन उसे मैं जो है बताएंगे बाद में हम। तो आज की वीडियो में बस नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।